बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से। आगे स्मार्ट सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे और लेक्चर नंबर 65 है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, यूज़ डिवीजन मेथड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। कुछ पार्ट्स जो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 के, उनमें हम लोग ये करेंगे कि डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। एक्सप्रेशन गिवन है तो उसे डिवीजन करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या एक्सप्रेशन है, 4x² प्लस 12xy प्लस 9y² प्लस 16xy प्लस 24y प्लस 16। तो इसको लिख लेते हैं 4x² प्लस 12xy, यहाँ लिखते हैं 4x² प्लस 12xy प्लस 9y² प्लस 16xy प्लस 24y प्लस 16। अच्छा, ये पूरा एक्सप्रेशन है जिसको सॉल्व करना है। अच्छा, आप डिवाइड किससे करेंगे? तो ये जो इस एक्सप्रेशन की जो फर्स्ट टर्म है इसको नोटिस करें, अगर तो ये 4x² है, अगर इसका स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें, जो मैं आपको तरीकाकार बता रही हूँ इसके अकॉर्डिंग हमने करना है, अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास क्या बनेगा, 2x का होल स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं अंदर टर्म को, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 2x बचा। सो ये जो 2x आया है, 2x, तो ये जो 2x आया इसके साथ इसकी डिवीजन करेंगे, ठीक है, इस 2x के साथ। तो यहाँ पे डिवीजन बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से जी। ये डिवीजन बॉक्स बना लिया 4x², तो 2x आया था, तो 2x यहाँ पे लिखा और 2x के साथ हम यहाँ पे डिवीजन करेंगे। तो 2 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो 4x² आएगा। तो 2x को अगर 2x के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 × 4 और x² हो जाएगा इस तरह से। तो 2x को 2x के साथ ही मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट टू टर्म्स को अभी हम देख रहे हैं, तो 4x² आया, ठीक है, 4x² आया। और 4x² जब आया तो ये भी सिर्फ पहले टर्म हम नीचे उतारेंगे, तो साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस था तो माइनस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। तो मतलब कैंसिल होने के बाद ये क्या बन गया, 0। तो जब ये कैंसिल हो गया तो ये कैंसिल कैसे हुआ है, ये कैंसिल इस तरह से हुआ है कि हमने 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया था, तो ये कैंसिल हुआ है। तो अब क्या करेंगे, अब जो ये 2x है हम इसको अब यहाँ पे लिखेंगे और इस 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2x को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, 4x। तो मैंने यहाँ पे 4x को लिख लिया, ऊपर वाले नंबर को 2x से मल्टीप्लाई करके मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 4x लिखा। अच्छा, 4x तो एक नंबर आ गया, और अगले टू टर्म्स मैं नीचे उतार लेती हूँ, 12xy प्लस 9y², इन दोनों को नीचे उतार लिया। अच्छा, 4x तो आ गया, लेकिन अब अगला नंबर कौन सा बीच में लेके आएंगे, तो देखिए 12xy है और 4 के टेबल में 12 कितनी बार पढ़ते हैं तो आता है, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 12xy के साथ 4x को डिवाइड करते हैं, 4x के साथ डिवाइड किया तो 4 और x कैंसिल, और 4 × 4 = 12, तो यहाँ से 3y बच गया। सो ये जो 3y बच गया है, इस 3y का क्या करेंगे, इस 3y को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, इस 3y को हमने यहाँ पे ऐसे लिख लिया, 3y प्लस 3y लिख लिया। ये किस तरह से लाया, मैंने आपको बता दी, 12xy के साथ 4x को मैंने इस वाले 4x को रिवाइड किया, ये करने का तरीका कार है। तो 4x प्लस 3y आया हुआ है, अब 4x प्लस 3y को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, तो मैंने अब 4x प्लस 3y को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 × 4 = 12x प्लस 3 × 3 = 9y², ओके। तो प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया 3y से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे भी y है ना, तो 3y से मल्टीप्लाई किया तो 12xy हो गया, ये 9y² हो गया। तो 3y से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या चीज़ आई, 12xy प्लस 9y². अब साइंस चेंज कर देते हैं टर्म्स के, प्लस था माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, साइंस जब चेंज कर दिए तो ये भी पूरा कैंसिल, आंसर 0 आ गया। अब आंसर 0 किस तरह से आया है, 3y को हमने इस वाली टर्म को, आंसर 0 इस तरह से आया कि हम लोगों ने जो ये चीज़ थी उसको 3y से मल्टीप्लाई किया था। अब जो ऊपर वाला 2x प्लस 3y है, इस पूरे के पूरे 2x प्लस 3y को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x प्लस 3y को हम अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो क्या आएगा,
फोर एक्स प्लस थ्री टू द सिक्स वाई, तो फोर एक्स प्लस सिक्स वाई यहाँ पर लिखा, ठीक है। अब इसमें कौन सा नंबर और ऐड करेंगे, अगली टर्म्स नीचे उतारनी है, सिक्सटीन एक्स वाई प्लस ट्वेंटी फोर वाई सिक्सटीन, तो उनको नीचे उतार के यहाँ लिख लेते हैं, सिक्सटीन एक्स वाई प्लस ट्वेंटी फोर वाई प्लस सिक्सटीन। तो अब फोर एक्स प्लस सिक्स वाई में क्या देखें, सिक्सटीन एक्स वाई पहला नंबर है, तो सिक्सटीन एक्स वाई किस तरह से ज़ीरो हो सकता है, तो सिक्सटीन एक्स वाई को किस से डिवाइड किया जाए तो ये ज़ीरो होगा। तो सिक्सटीन एक्स वाई को अगर फोर के साथ इसकी कटिंग की जाए, फोर एक्स वाई तो क्या आएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद हमारे पास जो नंबर आएगा उसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि फोर को फोर से मल्टीप्लाई करें तो आता है सिक्सटीन, ठीक है। तो प्लस फोर यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे प्लस फोर लिख लिया। अब यहाँ पे प्लस फोर लिखा है तो अब ये जो ये पूरी पूरी चीज़ है फोर एक्स प्लस सिक्स वाई प्लस फोर, इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आनी चाहिए, तो फोर से ही करें अगर इसको, तो फोर फोर सिक्सटीन एक्स प्लस फोर सिक्स ज़ार ट्वेल्व वाई, फोर सिक्स सॉरी ट्वेंटी फोर वाई प्लस फोर फोर ज़ार सिक्सटीन। अच्छा सिक्सटीन एक्स आ रहा है, फोर वाई अगर हम लोग ले लें, यहाँ पे सिक्सटीन एक्स है, ऊपर सिक्सटीन एक्स होना चाहिए जी, यहाँ पे सिक्सटीन एक्स है, तभी मैं कहूँ कि यहाँ पे क्यों इस तरह से इशू हो रहा है, यहाँ पे सिक्सटीन एक्स है, ये यहाँ पे भी सिक्सटीन एक्स है, सिक्सटीन एक्स आ रहा है, तो प्लस फोर से जब हम लोगों ने इस टर्म को मल्टीप्लाई किया तो सिक्सटीन एक्स प्लस ट्वेंटी फोर वाई प्लस सिक्सटीन आया, सबके साइंस चेंज किए, सब कुछ कैंसिल होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो कब ज़ीरो हुआ है सब कुछ, इस एक्सप्रेशन पर सारा का सारा ज़ीरो हुआ है, तो आंसर क्या बनता है, ये जो टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर आया है यही इस पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया है। तो स्क्वायर रूट क्या है, मैं यहाँ पे बजाय कि वो इतना लंबा एक्सप्रेशन लिखूँ, मैं सिर्फ इतना सा लिख लेती हूँ कि स्क्वायर रूट जो आया है इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर। आंसर ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर टू के फर्स्ट पार्ट का, प्लस माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फोर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सलूशन और मेथड स्टेप समझ में आ गए होंगे। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं, वो भी आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है। तो ये है क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट जो आपके कोर्स में इंक्लूड है, तो इसका सलूशन भी उसी तरह से करेंगे जैसे पार्ट वन का सलूशन किया है। तो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, एक्स की पावर फोर माइनस टेन एक्स क्यूब प्लस थर्टी सेवन एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्सटी एक्स प्लस थर्टी सिक्स जी। तो अब क्या करेंगे, पहले इसका डिवीजन बॉक्स बना रहे थे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। x का पावर 4 है, तो मैंने वो कहा था कि x की पावर 4 है, तो इसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट ले लें, और मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि x का स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो x स्क्वायर बचा। सो ये जो x स्क्वायर है इसके साथ सबसे पहले डिवीजन लेना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो x स्क्वायर के साथ डिवीजन लेना स्टार्ट करें, तो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाए, x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स की पावर फोर आता है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया एक्स की पावर फोर, साइंस चेंज किए तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा ये आ गया, अब ये जो एक्स स्क्वायर आया है, ऊपर वाला जो नंबर है, हमने क्या किया था पिछले सवाल में कि ऊपर वाले नंबर को हम टू से मल्टीप्लाई करते थे, तो अगेन मैं वही काम करूँगी, मैंने टू से जब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, टू एक्स स्क्वायर आ गया। अब मेरे पास अगला नंबर है माइनस टेन एक्स क्यूब और साथ में है प्लस थर्टी सेवन एक्स स्क्वेयर, ये नंबर, ठीक है। तो अब क्या करना है, मैंने देखना है कि ये किस टू कितने बार पढ़े तो हमारे पास टेन आता है, टू फाइव से टेन होता है, और एक्स स्क्वेयर को एक्स क्यूब से कैंसिल करें तो एक एक्स बचता है, तो फाइव एक्स जो है उसको मैंने यहाँ पे ले आऊँगी, माइनस फाइव एक्स को माइनस का साइन है तो माइनस फाइव एक्स को मैंने यहाँ पे लिख लिया साथ में इधर, माइनस फाइव एक्स ऐसे। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं टू से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो फाइव से मल्टीप्लाई करती हूँ, सो टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स को फाइव से मल्टीप्लाई किया फाइव एक्स से, तो फाइव टू ज़ार टेन एक्स क्यूब माइनस फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस फाइव से जब मल्टीप्लाई किया माइनस फाइव से जी, माइनस फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 प्लस, माइनस फाइव एक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया माइनस टेन एक्स क्यूब प्लस
प्लस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स, इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो फिर साइन चेंज करने के बाद कैंसिल हो जाए टर्म, इसलिए माइनस से किया। अब साइंस चेंज हो गया, ये प्लस प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, ये तो कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। लेकिन 37 में से 25 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, बच जाएगा 12x2। ठीक है, सो 12x2 को मैंने यहाँ पे लिख लिया ऐसे, 12x2 बच गया। और अगली जो टर्म्स हैं माइनस 60x और प्लस 36, इनको भी लिख लिया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो मेरे पास ये पूरा एक्सप्रेशन आया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इस पूरे एक्सप्रेशन को, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को मैं अगेन 2 से मल्टीप्लाई करूँगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x को मैंने 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 2x2 माइनस 2x, तो 2x2 माइनस 10x मैं यहाँ पर लिखती हूँ। 2x2 माइनस 10x। अब किस नंबर से टू को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12x2 आए, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 12x2 आएगा, तो प्लस 6 मैंने यहाँ पे साथ ही ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब ये पूरा एक्सप्रेशन जो मेरे पास आया है 2x2 माइनस 10x प्लस 6, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 6 के साथ, प्लस 6 के साथ, तो क्या आएगा 2 6 12 एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 6 इज़ 36। तो प्लस 6 के साथ जब मल्टीप्लाई किया, प्लस 6 के साथ जब मल्टीप्लाई किया इस एक्सप्रेशन को, आया 12x2 माइनस 60x प्लस 30, इसको मिटा देते हैं। तो अब साइंस चेंज कर लें, अगर प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, जीरो आ गया। सो जीरो आ गया, तो ये जो एक्सप्रेशन आया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये है स्क्वायर रूट हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन का, जो ये वाला एक्सप्रेशन था इसका जो स्क्वायर रूट आया है वो ये आया है। सो लिख लेते हैं कि स्क्वायर रूट इज़ इक्वल्स टू, बजाय कि पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखें, लिखते हैं कि स्क्वायर रूट इज़ इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मेथड जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ध्यान से समझेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि स्मार्ट सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन इंक्लूड है। ये एक पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 2 का, और इसको भी लास्ट 2 पार्ट्स की तरह सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 27 माइनस 10y बाय एक्स प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। डिवीजन बॉक्स बना लेते हैं, सेम वही स्टेप्स हैं जो उनसे लास्ट पार्ट्स के लिए स्टेप्स किए हैं। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर है, सो अगर इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स बाय वाई। सो एक्स बाय वाई को यहाँ पे लिखेंगे, एक्स बाय वाई को यहाँ पे लिखेंगे, और एक्स बाय वाई को एक्स बाय वाई से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर आता है। सो एक्स बाय वाई को मैंने एक्स बाय वाई से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स बाय वाई से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर वापस आ गया। साइंस चेंज किए तो ये कैंसिल हो गया, जीरो हो गया। हमारे पास बचा माइनस 10xy प्लस 27। ठीक है, तो माइनस 10xy डिवाइड बाई प्लस 27 है, तो अब ये जो एक्स वाई है इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x डिवाइडेड बाई वाई आ गया। अब किस नंबर से 10 का मल्टीप्लाई किया जाए, 2 के किस 2 के टेबल को कितनी बार पढ़ा जाए तो 10 आता है, 2 5 7 होता है, तो 5 को मैं यहाँ पे लिख लूँगी यहाँ पे, और माइनस का साइन तो माइनस 5 लिख लूँगी इस तरह से। सो अब 2xy डिवाइडेड माइनस 5 को मैंने अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 जार 10x डिवाइड बाई वाई आ जाएगा, और 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 25 आ जाएगा। तो माइनस 5 से करें तो माइनस और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस 10x, यहाँ पे y नीचे है इधर है, तभी मैं कहूँ कि सोल्यूशन खराब क्यों हो रहा है, यहाँ पे भी y नीचे है। सो माइनस 10xy प्लस 25 आ गया। साइंस चेंज किए तो ये चीज़ कैंसिल, यहाँ पे बच गया 2, और 2 बचा 2 जी 2 आ गया यहाँ पे 2xy 2 बचा, और फिर माइनस 10y बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है,
तो इसके बाद क्या करना है, माइनस 10 एक्स वाई, ये जो टर्म थी इसको मिटा देते हैं यहाँ से, 2xy माइनस 5 है। अच्छा अब एक्स वाई बाई फाइव, एक्स वाई एक्स डिवाइड बाई फाइव माइनस 5 है जो, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 2x डिवाइड बाई वाई माइनस 2 को 5 से किया तो 10। और अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा नंबर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 2y। तो अगर हम प्लस वाई बाई एक्स से जो है इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें, एक्स बाई वाई से वाई बाई एक्स के साथ करें तो 2 आ जाएगा। तो 2xy माइनस 10, 2x बाई वाई को मल्टीप्लाई किया वाई बाई एक्स के साथ, माइनस 10 को किया वाई बाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई। सो ये वाई वाई कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, 2 माइनस 10 वाई बाई एक्स आ गया। तो ये चीज़ आ गई। तो क्या करेंगे अब यहाँ पे हम लोग 2 के साथ करेंगे। तो यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ आगे, 2 माइनस 10 वाई बाई एक्स है प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर है। सो प्लस 2 से अगर करें तो एक्स बाई वाई माइनस 5, प्लस वाई बाई एक्स से करें, यहाँ पर वाई बाई एक्स लिखेंगे, वाई बाई एक्स यहाँ पे लिख लिया प्लस वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स लिखे यहाँ पे। और फिर 2 से अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, सो अब यहाँ पे प्लस वाई बाई एक्स लिखा है तो 2x बाई वाई माइनस 10 प्लस वाई बाई एक्स को मल्टीप्लाई किया जाए वाई बाई एक्स के साथ ही। तो वाई बाई एक्स से जब मल्टीप्लाई किया तो 2 आया और माइनस 10 वाई बाई एक्स आया प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइड बाई एक्स स्क्वेयर आ गया। और जब साइंस चेंज किए इन सब के तो ये सब आपस में कैंसिल हो गया और 0 आ गया। सो ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये हमारे पास स्क्वेयर रूट आ गया, क्वेश्चन का आंसर आ गया जो कि हमें फाइंड आउट करना था, मतलब एक्स डिवाइड बाई वाई माइनस 5 प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स जो है ये स्क्वेयर रूट आ गया है, इस एक्सप्रेशन का आंसर आ गया है। तो मेरे स्टूडेंट्स आपको इसका सारा सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर ऐसा हो कि कोई स्टेप समझ में ना आया हो, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जो कि स्मार्ट सर्विस में इंक्लूड है। इसमें क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बिकम द परफेक्ट स्क्वेयर। के की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए। तो उसी मेथड पे करेंगे जो लास्ट मेथड हमने किया है, डिवीजन मेथड। उसी डिवीजन मेथड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेम वही स्टेप्स होंगे। सो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, एक्स की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वेयर माइनस के एक्स प्लस 9। सो यहाँ पे डिवीजन बॉक्स बना लेते हैं और एक्स स्क्वेयर के साथ इसको सबसे पहले करेंगे क्योंकि एक्स 4 का स्क्वेयर उठने तो एक्स स्क्वेयर आता है। तो एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 4 आया, प्लस माइनस किया तो कैंसिल हो गया, वापस बचा माइनस 4x क्यूब प्लस 10x स्क्वेयर। टू टर्म्स लेके सॉल्व करेंगे ना, सो ऐसे ले लिया। अब एक्स स्क्वेयर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वेयर आता है, और ऐसा क्या नंबर हो कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4x क्यूब आए। तो माइनस 4x जो है उसको लेंगे लिखेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल होगा। तो 2x स्क्वेयर माइनस 4x को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 4, और 4x स्क्वेयर माइनस 2 से मल्टीप्लाई जब करूँगी, अच्छा माइनस 2x लेनी, 4 नहीं 2 लेना है, तो 2x आ जाएगा इस तरह से। जब मैंने 2x से करूँगी तो 4x क्यूब बन जाएगा और 4x 2 2 4x स्क्वेयर आ जाएगा, 2 2 4x स्क्वेयर ये चीज़ आ जाएगी। तो 4x क्यूब प्लस माइनस 4x स्क्वेयर आ गया। सो माइनस 2x से मैंने मल्टीप्लाई किया सो आया माइनस 4x क्यूब, और माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वेयर, साइंस चेंज हो कि ये कैंसिल हो गया और ये बन गया 6x स्क्वेयर माइनस के एक्स प्लस 9। सो 6x स्क्वेयर माइनस के एक्स प्लस 9 आया है। तो अभी जो ऊपर एक्सप्रेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 2x स्क्वेयर माइनस 2 2 4x। अब यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं प्लस 3 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 के साथ। तो इस एक्सप्रेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6x स्क्वेयर प्लस माइनस 3 4 12x, 3 से मल्टीप्लाई 3 9। सो प्लस 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो आया 6x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9
और साइंस चेंज किए, प्लस माइनस ये है कि कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, ये बच गया 12x माइनस kx। रिमाइंडर क्या बचा? 12x माइनस kx। ये इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर करके, 12x माइनस kx बच गया रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर आया है हम क्या कहेंगे कि स्क्वेयर रूट के केस में रिमाइंडर हमेशा इक्वल्स टू जीरो होता है, तो ये लिखेंगे कि इन द केस ऑफ स्क्वेयर रूट, जैसे हमने क्वेश्चन किए तो रिमाइंडर जीरो आ रहा था ना हमारा, तो हम वही बात लिख रहे हैं कि इन द केस ऑफ स्क्वेयर रूट रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो, इक्वल टू जीरो रिमाइंडर हमेशा जीरो के इक्वल आता है। सो 12x माइनस kx को इक्वल्स टू जीरो ले लिया। अब 12 माइनस k है और x इक्वल्स टू जीरो, ये हो गया। अब 12 माइनस k इज इक्वल्स टू x, इधर के जीरो खत्म हो गया, और 12 इज इक्वल्स टू k, मतलब k की वैल्यू आ गई 12। सो k की वैल्यू को फाइंड आउट करना था ये सारे काम करते हुए, तो k की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, आंसर आ गया है 12। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 का आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका पार्ट सॉल्व करते हैं जी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, जबकि स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, तो ये लास्ट पार्ट है जिसको सॉल्व करना है, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। ये भी उसी तरह से है जैसे आपने लास्ट पार्ट किया उसकी तरह से ये सॉल्व होगा। तो x की पावर 4 4x³ - 16x² LX + M, डिवीजन बॉक्स बना लेते हैं ये। अब एक्स स्क्वेयर के साथ करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन, सो एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4 आया, प्लस माइनस कैंसिल होकर जीरो हो गया। अब 4x³ - 16x² ले लिया, तो एक्स स्क्वेयर को 2x से मल्टीप्लाई किया 2x² आ गया, और इसमें क्या हम लोग करेंगे माइनस 2x, अगर नहीं अच्छा 4x³ है तो क्या करना है, यहाँ पे प्लस 2x ले आएंगे, तो जब बाद में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x³ आ जाएगा। तो प्लस 2x लिखा, और अब मैं इस 2x के साथ ही इस जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा इसको मल्टीप्लाई करूँगी, तो 2 टू द 4x³ + 2 टू द 4x² ठीक है, ये चीज़ आई। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी प्लस 2x के साथ किया, तो 4x³ आ गया, प्लस 4x² भी आ गया साथ, कैंसिल हो जाएगा ये माइनस, तो ये माइनस बन गया माइनस, माइनस 20x² प्लस LX + M, ये चीज़ आ गई। अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x² + 2 टू द 4x आ गया, और अब करेंगे 6 के साथ, क्योंकि अच्छा 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, अच्छा माइनस का साइन है ऊपर, यहाँ ऊपर प्लस का साइन है, प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो इधर माइनस होके यहाँ पे 20 नहीं आएगा, 12 आएगा, ऐसे 12x² आएगा। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि, या प्लस 6 ऐड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब बाद में 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस सारे एक्सप्रेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, 2 टू ज़ा 4x² + 2 फोर ज़ा 8x + 2 6 ज़ा 12, ये चीज़ आएगी। सो मैंने प्लस 2 से प्लस 6 से जो है यहाँ पे प्लस 6 ऐड किया और प्लस 6 से मल्टीप्लाई भी किया, तो क्या बना यहाँ पे, जब 6 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x² + 4x + 6 को, तो 12x² आया, वो लिखा ये वाला 12x², ठीक है, और 12x² आया। उसके बाद यहाँ पे हमने लिख लेना है प्लस माइनस 24x - 36, और ये सब कैसे आएगा, जब हम लोग इस सारे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 2 के साथ नहीं, इस सारे एक्सप्रेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये जो सारा एक्सप्रेशन, ये वाला जो सारा एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 6 के साथ 2x² + 4x + 6 को जो मल्टीप्लाई किया, 6 टू ज़ा 12x² 2 6 ज़ा 24x और 6 ज़ा 36, तो 12x² + 24x + 36 आया। तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं, सो 6 के साथ जब किया तो आया 12x² + 24x + 36, ऐसे लिखा, ठीक है। अब साइंस चेंज करने हैं इन सब के, तो
साइंस चेंज किए, माइनस माइनस ऐसे हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया। सो यहाँ पे बचा एल एक्स माइनस 24x प्लस एम, और क्या बचा? अच्छा इस तरह से एक साथ नहीं लिखते, ऐसे कर लेते हैं कि जो ऊपर वाले इन इनको ऐसे लिख लेते हैं और इसको इकट्ठा लिख लेते हैं। तो एल एक्स माइनस 24 लिख लिया, एल एक्स माइनस 24x और एम माइनस 36 लिख लिया, ठीक है, ये तो कैंसिल होकर जीरो हो गया। सो एल एक्स माइनस 24x लिखा और एम माइनस 36 लिखा, और अब क्या कहेंगे? अब वही बात लिखेंगे, इन द केस ऑफ स्क्वेयर रूट रिमाइंडर इज ऑलवेज जीरो। सो यहाँ पर लिख लेते हैं कि इन द केस ऑफ स्क्वेयर रूट, इन द केस ऑफ स्क्वेयर रूट रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल्स टू ज़ीरो, रिमाइंडर हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। सो एल एक्स माइनस 24x ज़ीरो के इक्वल आएगा और m माइनस 36 भी ज़ीरो के इक्वल आएगा, क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास इक्वल्स टू ज़ीरो आता है हमेशा। सो यहाँ से x को मान लिया तो l माइनस 24 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एल माइनस 24 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, x इधर ख़त्म हो चुका है, l इज इक्वल्स टू 24 और यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 36 आ गया। सो m की वैल्यू आ गई है 36, l की वैल्यू आ गई है 24। तो l इज इक्वल्स 24, m इज इक्वल्स टू 36 जो है वो इस क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। और यहाँ पे स्मार्ट सिलेबस के जो हमारे क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जो था ये लास्ट था स्मार्ट सिलेबस का। तो एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट टू पार्ट, फिफ्थ और सिक्स पार्ट, फिर क्वेश्चन 2 का फर्स्ट टू पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट जो है वो स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड था और हमने सॉल्व कर लिया है, सबके आंसर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन सब का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई स्टेप समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर लें, फ्रेंड्स क्लास फेलो सबके साथ शेयर कर लें। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।